महंगाई का तूफान फिर से सर उठाने लगा। आटे के बाद घी भी महंगा। ओपन मार्केट में घी ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा। दर्जा सौम का घी 390 रुपए से बढ़कर 440 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा दौम का घी 450 रुपए से 470 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। दर्जा यवल घी की कीमत 490 रुपए फी किलो मुकर्रर। घी के रेट्स हमने नहीं बढ़ाए, घी ऑयल मालिकान का मौका। सीनियोर में खुद साख्ता आटा महंगा करने वालों के खिलाफ एक्शन। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल फजल अब्बास, फूड इंस्पेक्टर बशीर कालू ने कमर कस ली। डीएफसी ने आटे की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 780 रुपए जबकि सहूलत बाजार से 760 रुपए में मिल रहा है। फजल अब्बास कहते हैं कि मार्केट में गंदम या आटे की किसी सतह पर किल्लत नहीं, 10 और 20 किलोग्राम आटे की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। हमारा नोटिफाइड रेट चनौर में 780 रुपए है। आपके सामने जिस स्टाल लगा हुआ है, यहाँ पे पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, 760 रुपए पे आटे का थैला हम फरोख्त कर रहे हैं। सस्ते दामों कर्जे की फ्राहमी से बर वक्त फसल काश करने का ख्वाब अब पूरा हो सकेगा। किसानों ने किसान कार्ड से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। किसान कार्ड से खाद और बीजों का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। बरामदात बढ़ी मगर टैक्स में बड़ा इजाफा ना हो सका। पहली तिमाही के दौरान टैक्स में 1% इजाफा हुआ। रवा साल बरामदात से सिर्फ 2 अरब रुपए ही इनकम टैक्स वसूल हो सका। गुज़श्ता वर्ष इसी अरसे में इनकम टैक्स वसूली 1986 मिलियन रुपए रही थी। महंगाई को कम करने के लिए हुकूमती दावे धरे के धरे। महंगाई अदादोशुमार में कम हुई मगर गरीब सब्जी खरीदने से भी महरूम। सरकारी रेट लिस्ट को मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिया। सब्जियों और फलों की कीमत रेट लिस्ट से कहीं ज्यादा वसूल की जाने लगी। मौसमी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। फैसलाबाद डिवीजन में चिकन 594 रुपए से कम ना हुआ। फार्मी अंडों की कीमत अंडों 298 रुपए मुकर्रर। सब्जियों और फलों की कीमत में उतार चढ़ाव। टमाटर 85, लहसुन 540, अदरक की कीमत 900 रुपए किलो मुकर्रर। फलों में सेब 210, अनार कंधारी 220, अंगूर गोला 220, अंगूर संदरखानी 350 रुपए किलो मुकर्रर। जंग में पूरा हफ्ता चिकन महंगे नरखों पर बिकता रहा। 7 रोज में चिकन की कीमत में 593 रुपए से कम ना हो सकी। फार्मी अंडों की कीमत में 7 रुपए का इजाफा, 298 रुपए फी दर्जन हो गए। अदरक की कीमत में 130 रुपए तक का इजाफा। शहरियों की जानिब से ओवरचार्जिंग की शिकायत। चिन्योट में अदरक 1000 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। सब्जियां हो या आलू प्याज, सभी चीजें आवाम की पहुंच से दूर। खरीदार मुश्किलात से दो चार। इंतजामिया गिरा फरोशी और माफिया को लगाम ना डाल सकी। पीएचए ने फैसलाबाद के मुतअद्दिद पार्क को लावारिस छोड़ दिया। इलाम इकबाल कॉलोनी का गोसिया पार्क भी लावारसी का मुंह बोलता सबूत। पार्क में नशेयों के डेरे, चार दीवारी ना होना तो एक तरफ, घास का भी नामो निशान नहीं। फैसलाबाद का वाहिद एथलेटिक्स ट्रैक तबाहाली का शिकार। ट्रैक पर जगह जगह पैचेस पड़ गए। पूरे ट्रैक के नजदीक वॉशरूम भी मौजूद नहीं। ट्रैक के पैचेस की वजह से एथलीट को रनिंग में मसाइल का सामना। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज की टोबा टेक्सिंग में आमद मतवक्के। शहर की खूबसूरती के लिए इकदाम तेजी से जारी। फॉरेस्ट पार्क में हंगामी बुनियादों पर सफाई सुथराई। तजयीनों आराइश का काम शुरू। पार्क में लगाई गई लाइट्स बार। ट्रैक की मुरम्मत और घास की कटाई भी जारी। सिटी 41 ने मुतअद्दिद बार पार्क की बहाली के लिए निशानदही की थी। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग। लोकल इंडस्ट्री के साथ वर्कर्स भी परेशान। कहते हैं दिन में 5 से 6 बार बिजली आती जाती है, ऐसे में मजदूरों का स्टिचिंग बोनस और टाइम नहीं मिल रहा। एक मशीन को दोबारा चलाने में 20 मिनट दरकार होते हैं और इतने में बिजली दोबारा बंद हो जाती है। तो फैक्ट्री में आ गए काम करने के लिए, हमारी दिहाड़ी तो मालिकों के पास लग जाती है।
लेकिन जब बार बार लोड शेडिंग होती है, एक मिनट के लिए, दस मिनट के लिए, एक घंटे के लिए या छह घंटे के लिए, उस वक्त हमारा स्टेज का जो बोनस है उसका लॉस हो जाता है। बड़े टैक्स गुजारों के लिए एक और मुश्किल। फैसलाबाद में ऑनलाइन पेशियां कराने के लिए कायम हेयरिंग सेंटर बंद हो गया। सेंट लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुल्तान के लिए बनाया गया था सेंटर, बात होने बंद होने से टैक्स दहिंदगान को शदीद परेशानी का सामना। अहमदपुर सियाल में डाकू बेदार, पुलिस काबिज खरगोश के मजे लेने लगी। एक हफ्ते में डकैती की दो वारदातें, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार। मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीनना मामूल बन गया। शहरियों का डकैती की बढ़ती वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा। मुंतकिल कर दिया सनती शहर फैसलाबाद में ताजर बरादरी गैर महफूज। अंजुमन ताजरान रेक सिटी की जानिब से ताजर गुफार के कत्ल पर इजहार अफसोस। रेक सिटी के ताजरान ने एहतजाजन रेक सिटी को बंद कर दिया। थाना पीपल्स कॉलोनी में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। ताजर बरादरी का जिले इंतजामिया से सिक्योरिटी का मुतालबा। देखें, हमारे ये ताजर भाई थे इधर फरहान ट्रेडर्स के नाम से, गफार साहब, उनका वो रात यहाँ से शॉप बंद करके गए हैं और नाहक उनका कत्ल हुआ है। अभी तहकीकात होंगी तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन कातलीन है, लेकिन हमारा, हमने पूरी मार्केट उनके सोग में हमने बंद कर दी है और हम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं इस तरह। कांडलावाला में साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान की हलका NA97 में सियासी सरगर्मियां। अजीज वकारिब के इंतकाल पर इजहार तासीर और फातिह खानी की। दौरे के दौरान किसानों, समाजी शख्सियात और इलाका नुमाइंदीन से मुलाकातें। हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि हलका NA97 के आवाम के मसाइल और उनके हल के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूँ। मेरा मकसद जहाँ के लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाना है। DPS स्कूल एंड कॉलेज में जारी इंटर कॉलेजर फुटसॉल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मरहला। पंजाब कॉलेज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टोबाटेक सिंह पहले सेमीफाइनल में मध्य मुकाबल होंगे। सेमीफाइनल के दूसरे मैच में स्पीडर कॉलेज और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सत्याना में जोड़ पड़ेगा। टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म, शायकीन भी पुरजोश। इतवार के रोज फैसलाबाद में क्रिकेट का जनून सर चढ़कर बोलने लगा। बच्चे क्रिकेट खेलने ग्राउंड में पहुंच गए। बच्चों ने कौमी क्रिकेट टीम को मुफीद मशवरे भी दे डाले। लकी स्टार की टीम की तरफ से खेलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस हर हफ्ते हमारा मैच होता है, इस हफ्ते कैंसिल हो गया इसलिए हमने आपस में लगा लिया दोस्तों को बुला के। बहुत से प्लेयर अच्छे लगते हैं हमारी टीम में, बहुत से प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन मुझे नसीम शाह और शहीन सबसे फेवरेट बॉलर है मेरी। ना शहीन की अब तो पेस नहीं निकलती इतनी के शहीन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा बहुत खेलते हैं, परफॉर्मेंस तो करते हैं, लेकिन पता नहीं वो फिर खेलते तो अच्छा ही है वो। पाकिस्तान सुनी तहरीक की जानब से इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन सेमिनार का इनेकास। सेमिनार की सदारत मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी डिवीजनल सदर पाकिस्तान सुनी तहरीक मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक औलिया कामिलीन की तालीमात को आम करने के लिए कोशिश हैं। आज हज़रत सईद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला के उसके अयाम हैं, उसी हवाला से औलिया कामिलीन की ज़िंदगियों के पहलुओं को हम अवाम में रोशनास करवा रहे हैं। आज जो था इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, हज़रत सईद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला के हयात तैयबा को स्टडी करें, लोगों को करीब किया, दायरा इस्लाम में दाखिल किए, शरीयत मुतहरा पर अमल का पैगाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बड़ा तारीखी दिन है कि जिसमें PM पंजाब का इलेक्शन पूरे पंजाब में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसके पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इससे पहले ये लाहौर में पूरे पंजाब के एक ही पोलिंग पे कास्ट होते थे वोट, अब हर डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग है। हमारा जंग का पोलिंग स्टेशन जहां DHQ में DSDC में मौजूद है, जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब का इलेक्शन, जंग जिला भर के डॉक्टर्स के लिए DSDC सेंटर में इलेक्शन बूथ बनाया गया। PMA पंजाब के सर्ज के लिए डॉक्टर जाहिद मकसूद और डॉक्टर शफीक अहमद के मबैन तगड़ा मुकाबला। ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर इकबाल हुसैन, डॉक्टर जैनुल हसन, तौफीर अहमद और अमजद हुसैन मद्दे मुकाबल। डॉक्टर्स अपने हिमायती उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर रहे हैं।